सब्सक्राइब करें हमीरपुर हलचल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि खबरों की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार जनपद हमीरपुर, पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक विरासत से रचा बसा जनपद हमीरपुर, सभी मनोकामनाओं के पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष का नगर जनपद हमीरपुर, राजस्थान के अलवर से चलकर आए कलचुरी राजपूत हमीर देव के संघर्ष और अथक प्रयासों की परिणति जनपद हमीरपुर। हमीरपुर के अतीत में छिपी हैं महाभारत काल की गौरव गाथाएं, जहां चेदी साम्राज्य महाभारत काल के 16 सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य में से एक था। यहां के शासक शिशुपाल को श्री कृष्ण ने मुक्ति प्रदान की थी। राजा विराट की नगरी राठ, जहां पांडवों ने अपना अज्ञातवास व्यतीत किया था। राठ स्थित चौपड़ेश्वर मंदिर, राजा विराट की पुत्री उत्तरा द्वारा स्थापित शिवलिंग काल को पुनर्जीवित करता रहता है। कीचक वध एवं लाक्षाग्रह के पुरा चिन्ह आज भी हमीरपुर में विद्यमान है। समय के साथ साथ गुप्त, मौर्य, कनिष्क, परमाल, चंदेल एवं गहरवार राजाओं ने इस धरती को सुशोभित किया। चंदेलों के शासनकाल में जेजाक भुक्ति से जाना जाने वाला हमीरपुर राजा परमाल के समय के आल्हा उदल योद्धाओं के नाम से आज भी बुंदेलखंड गूंजता रहता है। सन 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा महोबा पर कब्जा किया गया। कालिंजर में जन्मी गोडवाना की शासिका रानी दुर्गावती की शौर्य गाथाएं आज भी बुंदेलखंड में गाई जाती हैं। महाराजा छत्रसाल ने मुगल शासक औरंगजेब को मराठा सम्राट बाजीराव पेशवा की मदद से युद्ध में परास्त कर बुंदेलखंड में अपना स्वतंत्र हिंदू राज्य स्थापित किया। बुंदेलों ने सभी झंझावातों के बाद भी अपना वर्चस्व बरकरार रखा और 31 दिसंबर सन 1802 को बेसिन संधि एवं 16 दिसंबर 1803 की पूरक बेसिन संधि में बुंदेलखंड प्रांत ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। सन 1819 में बुंदेलखंड को दो भागों में विभाजित किया गया। दक्षिणी भाग का मुख्यालय पांडा बनाया गया तथा उत्तरी भाग का मुख्यालय कालपी बनाया गया, जिसमें हमीरपुर भी शामिल था। सन 1821 में कालपी मुख्यालय हमीरपुर स्थानांतरित हुआ और सन 1823 में हमीरपुर को स्वतंत्र जनपद घोषित किया गया। स्वतंत्रता संग्राम का तीर्थ जराखर गांव, जहां श्रीपत सहाय रावत, डॉक्टर हरनाथ सिंह एवं अन्य 55 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जन्म हुआ। पंडित परमानंद खरे ने गदर पार्टी में सक्रिय योगदान दिया और अंडमान की सेलुलर जेल में 23 वर्ष और साबरमती जेल में 7 वर्ष व्यतीत किए। सन 1900 में जन्मे दीवान शत्रुघ्न सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ भड़की चिंगारी को नेतृत्व प्रदान करते हुए एक बड़ा आंदोलन छेड़ा और बेगार प्रथा एवं भूदान आंदोलन के प्रणेता रहे। पूस की रात गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हमीरपुर की धरती पर 1908 से 1913 तक कार्यरत रहे। उन्होंने नवाब राय के छद्म नाम से सोजे वतन लिखा। बुंदेलखंड मालवी के नाम से प्रख्यात स्वामी ब्रह्मानंद जी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिनके द्वारा कई शिक्षण संस्थानों को स्थापित किया गया। साहित्य के स्वर्ण हस्ताक्षर भगवती चरण वर्मा 1930 से 1932 तक जनपद में रहे व उनके द्वारा चित्रलेखा का सृजन किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रारंभिक शिक्षा भी राठ में संपन्न हुई। महान साहित्यकार श्री लाल शुक्ल द्वारा 1952 से 1953 में जनपद में रहते हुए स्वर्ण ग्राम एवं वर्षा व्यंग की रचना की गई। मौलाना मकबूल अहमद राठवी, डॉक्टर हर गोविंद सिंह,
डॉक्टर गणेशी लाल भुथोलिया, मंजुल मयंक आदि साहित्यकारों ने हमीरपुर की धरती को बौद्धिक रूप से समृद्ध किया। जनपद वासियों का संकल्प है प्रगति से परिवर्तन का, संकल्प है पर्यटन से विकास का, संकल्प है कला एवं संस्कृति के संवर्धन का, संकल्प है प्रकृति के परिवर्धन का, संकल्प है व्यक्ति के समग्र विकास का।